दिल्ली में ज्योतिष के आड़ में पाखंड का बड़ा खुलासा। आचार्य आशुभाई गुरुजी पर रेप, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप। दिल्ली के हौसखास थाने में दर्ज हुआ मामला, एक महिला से रेप और उसकी नाबालिग बेटी से यौन शोषण का आरोप। पहचान बदलकर पाखंड का धंधा चला रहा था आशुभाई गुरुजी, असली नाम आसिफ खान, बेटे समर खान पर भी रेप का आरोप। यूपी में धर्मांतरण को लेकर जी न्यूज के खुलासे के बाद हरकत में प्रशासन, जौनपुर पुलिस ने भुलंडी गांव जाकर छानबीन की। यूपी के जौनपुर समेत 10 से ज्यादा जिलों में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का आरोप, अंधविश्वास और लालच देकर धर्मांतरण। तेलंगाना बस हादसे में मरने वालों की संख्या 57 तक पहुंची, 30 लोग घायल। मरने वालों में 36 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल, बस में करीब 90 लोग सवार थे। जगतियाल जिले में रोडवेज की बस का अचानक ब्रेक फेल हुआ था, जिसके बाद बस खाई में गिर गई। भीमा कोरेगांव हिंसा में अर्बन नक्सलियों की गिरफ्तारी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, तय होगा कि पांचों को नजरबंद रखा जाए या पुलिस हिरासत में भेजा जाए। नोटा पर चुनाव आयोग का सर्कुलर, राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं होगा इस्तेमाल। चुनाव आयोग ने कहा, नोटा का इस्तेमाल सिर्फ लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही होगा। लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद, कृषि उपनिषद के उपनिदेशक के घर में 35 लाख की चोरी, डीजीपी ऑफिस के ठीक पीछे है मकान। यूपी में मुहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन चौकस, 12 सितंबर से 24 सितंबर तक पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। दिल्ली में आज एमसीडी के सफाई कर्मियों का प्रदर्शन, पक्की नौकरी, बकाया अरियर समेत कई मांगे। मध्य प्रदेश के झाबुआ पेटलावद ब्लास्ट की आज तीसरी बरसी, 78 लोगों की हुई थी मौत, सैकड़ों घायल हुए। बारामूला के पत्तन थाने में हैंड ग्रेनेड से हमला, इलाके को खाली कराया गया। शराब और जुआबाजी के अड्डे बने असम के सरकारी दफ्तर, स्टिंग ऑपरेशन में रिकॉर्ड हुई चौंकाने वाली तस्वीर। देहरादून में 2 घंटे की भारी बारिश से सड़क पर पानी भरा, राजीव नगर सपेरा बस्ती में लोगों के घरों में पानी घुसने से लाखों का नुकसान। असम में भारी बारिश से नदियां उफान पर, मकरारा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। कोलकाता में भी भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा, कई पेड़ 2 कारों पर गिरे, दोनों चकनाचूर। हैदराबाद के निजाम का करोड़ों की कीमत का टिफिन मिला, इस टिफिन में रोज खाना खाया करते थे चोर। 2 सितंबर को हुई थी हैदराबाद की पुरानी हवेली में चोरी, मुंबई के 5-स्टार होटल से 3 चोरों की गिरफ्तारी। जेएनयू में छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रचार का आखिरी दिन, 14 सितंबर को डाले जाएंगे वोट। गाजियाबाद से दिल्ली आकर धोखाधड़ी करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार, एटीएम कार्ड स्वैप के जरिए लोगों को लूटते थे। फरीदाबाद में नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर के घर चोरी, 4 लाख नकदी लेकर चोर फरार, सीसीटीवी में वारदात। महाराष्ट्र के थाने में मामूली झगड़े के बाद दामाद ने अपनी सास को नीचे फेंका, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नवी मुंबई की एक दुकान से 2 महिलाओं ने महंगी साड़ियों पर हाथ साफ किया, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची में बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जुटे 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 देसी पिस्तल, 3 कट्टे और कैश बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में एक युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की, विन्नी नाम का ये युवक घर में अकेला रहता था। एससी/एसटी एक्ट में 7 साल से कम सजा के अपराध में बिना नोटिस नहीं होगी गिरफ्तारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्देश। यूपी के पीलीभीत में 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म, भीड़ ने बच्चे को बचाया, आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर में 2.5 साल से फरार चल रहा इनामी बदमाश गिरफ्तार, हत्या समेत कई मामले दर्ज। यूपी के झांसी में बाइक सवार मनचले की करतूत, सीसीटीवी में रिकॉर्ड, छेड़खानी का विरोध करने पर भागा युवक, पुलिस से शिकायत। गाजियाबाद के मसूरी डासना टोल टैक्स पर टोल कर्मचारियों से मारपीट, टोल मांगने पर विवाद बढ़ा। यूपी के मिर्जापुर में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, 9 चोरी की घटनाओं को कबूल किया। यूपी के शाहजहांपुर में 9वीं की छात्रा को ट्रक ने कुचला, मौत के बाद लोगों का हंगामा, ट्रक ने तोड़फोड़ की। चलती ट्रेन में स्टंट करने पर यूपी के हरदोई में आरपीएफ की कार्रवाई, एक लड़के को गिरफ्तार किया।
गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों में मारपीट, पुलिस ने एक छात्र को हिरासत में लिया। हंगामा कर रहे छात्र ने तोड़फोड़ की, कार के शीशे तोड़े, पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई। बिहार में मॉब लिंचिंग से एक और मौत, सीतामढ़ी में भीड़ ने युवक को पीट पीट कर मार डाला। युवक की पटना के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत, लूट के शक में भीड़ ने पीटा था। सीतामढ़ी भीड़ की हिंसा मामले में 150 लोगों पर FIR दर्ज, पुलिस ने अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। बिहार के मधुबनी में सड़क किनारे लटके हाई टेंशन तार की चपेट में 3 लड़कियां, गांव वालों ने बचाई जान। जयपुर में 2 ट्रकों की आमने सामने से टक्कर, ट्रक चालक केबिन में फंसा, मुश्किल से निकाला गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में भोपाल महामना एक्सप्रेस में हमला, ललितपुर जाते वक्त पथराव किया, पत्थर लगने से एक यात्री घायल। मध्य प्रदेश में राम के सहारे कांग्रेस सरकार बनाने पर रामबन पथ गमन का निर्माण करेंगी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत, खेत में काम करते हुए गिरा तार। राजस्थान के कोटा में कार का शीशा तोड़कर 3 लाख नकद चोरी, लैपटॉप भी चुराया। गुजरात के भरूच में कांग्रेस के बंद के दौरान मारपीट की गई, दुकान बंद कराने को लेकर हाथापाई की तस्वीरें CCTV में रिकॉर्ड। यूपी के मुजफ्फरनगर में गश्त के दौरान सिपाहियों को मिला लापता बच्चा, परिवार को सौंपा। अब लीजिए बिहार के खाने का पूरे भारत में मजा, IRCTC ने शुरू की टेस्ट ऑफ बिहार सेवा। मुंबई में लालबाग के राजा की मूर्ति का अनावरण किया गया, गणेश चतुर्थी की कल से रहेगी धूम।